चक्कर खा गए ना, ऐसा ही रिव्यू है जो आपको चक्कर खिला देगा। इतने बजट में इतना प्यारा फोन जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है, जो बहुत ही कम बजट में है। आपके पॉकेट्स में फिट होने के साथ साथ बहुत ही स्मार्ट आपके हाथ में भी लगता है। तो देखते हैं ये कौन सा फ़ोन है एंड इसका पूरा रिव्यू आप मेरे साथ बने रहेगा। लेकिन उससे पहले IBIS 24 गैजेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाएंगे तो बहुत सारे अपडेट्स मैं आप तक लाते रहूँगी। $14,999 only इतना ही MRP का हमारा ये फ़ोन है। आपको इतने कम बजट में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए फट से करते हैं इसका अनबॉक्स एंड रिव्यू। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं हमारे न्यूली लॉन्च Moto G51 5G फ़ोन। देखिए सबसे अच्छी बात ये है इस 5G फ़ोन की कि इसके अंदर 12 5G बैंड्स हैं, जो कि बहुत कम फोन्स में होते हैं। इस बजट में तो डेफिनेटली नहीं होते। चलिए देखते हैं, जब हम ये बॉक्स को खोलते हैं तो ये है हमारा Moto G51 5G। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लग रही है कि ये काफ़ी अभी स्लीक दिख रहा है विथ कवर ऑल्सो। तो कवर जो है इसको हटा के देखा जाए कि कैसा है ये हमारा फ़ोन, कौन से कलर का है एंड किस तरह का इसका शाइन है, डिज़ाइन है। वाओ, सो दिस इज़ लाइक ब्लू कलर जो शाइनी है, थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है साइड पे, यहाँ पर इधर एजेस में भी काफ़ी कर्व सरफेसेस हैं, बट ओवरऑल द शाइन इज़ नाइस, स्लीकनेस एट द एंड इज़ नाइस, जो इसको थोड़ा सा फ्लैट नहीं थोड़ा कर्वी लुक दे रहा है। ये मोटो का लोगो है। हमारे 3 कैमराज जो यहाँ पर हैं, फ्रंट कैमरा, वाइड एंगल कैमरा एंड मैक्रो कैमरा, ऑल आर प्लेस्ड नाइसली हियर एट द बैक। ये फ्लैश लाइट है एंड आगे की तरफ देखते हैं कि कैसा है ये 50 मेगापिक्सल। हमने ट्रिपल सिस्टम तो पीछे देख लिया, 5G के इसमें 12 बैंड्स हैं जो बहुत ही खास बना देते हैं इस बजट में कोई भी फ़ोन को, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे ऑडियो जैक भी दिया हुआ है, माइक, चार्जिंग एंड स्पीकर्स, तो प्लेसमेंट तो अच्छा है। एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि फ़िलहाल ये 64GB है, बट एक्सटेंड कर सकते हैं आप 1TB तक, 4GB रैम देता है। चलिए देखते हैं इसको स्टार्ट करके कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्क्रीन के कवर को अनरैप करते हैं एंड हियर इट गोज, हियर कम्स द मोटोरोला लोगो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। यहाँ पे मुझे एक ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे फ्रंट कैमरा के जगह पे नॉच नहीं है, स्क्रीन पूरी एंड टू एंड है, 6.8 इंचेस के आसपास की स्क्रीन है विदाउट अ नॉच, जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे देती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, इस बजट में नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाता, जो कि अच्छी बात है। तो ये हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये 6.8 एंड टू एंड काफ़ी अच्छा है डिस्प्ले, नॉच भी मैंने जैसे आपको बताया पहले कि नॉच नहीं है, तो ये एंड टू एंड जो विजन है वो काफ़ी अच्छा है। 120 हर्ट्ज़ का स्क्रीन वेरिएशन है, जो कि जब मोशन हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो इस बजट में बहुत कम बहुत रेयर मिलता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पर मुझे कैमरा में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि कहा तो गया कि कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है। मेरे पास जो मोड्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये फ़ोटो में मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर फ्लैश, टाइमर, एक्टिव फ़ोटोज़ एंड एस्पेक्ट रेशियो, ये हम बता सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो मोड्स मिल रहे हैं पोर्ट्रेट, कटआउट, स्पॉट कलर, ये इसका खास फीचर है। अगर आप कोई भी पिक्चर में कोई पर्टिकुलर कलर को हाईलाइट करना चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट के साथ कुछ येलो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसके अंदर। नाइट विजन, सिनेमाटोग्राफी, जिसमें कि आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, पैनोरामिक तो ऑब्वियसली आजकल सारे मोबाइल्स में होता है, वाइड एंगल सेल्फीज़ हैं क्योंकि इसका अलग से 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, वाइड लेंस है, जो अच्छा दे देता है। इसके अलावा हमारे पास टाइम लैप्स है, स्लो मोशन है,
एंड ड्यूअल कैप्चर, आपका और आपके अपोजिट कैमरा का कैप्चर एक साथ हो जाता है, तो ड्यूअल काफ़ी अच्छा है। तो ये इस तरह से आप ड्यूअल कर सकते हैं। ये मैं यहाँ आपको सेल्फी में देख रही हूँ एंड यहाँ पे मेरे सामने क्या विजन है वो भी दिख रहा है। तो दोनों कैमराज एक साथ एक मोड में काम करते हैं। इसको आप यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारे फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं। सेल्फ़ी खींच के देखा जाए कि कैसी सेल्फी इसमें आ रही है, तो मेरे पास यहाँ पे ब्राइटनेस सेट करने का, चेक करने का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ब्राइटनेस सेट करके अपना एक सेल्फ़ी खींच के बताती हूँ। तो ये सेल्फ़ी काफ़ी अच्छी आई है। आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट मोड में भी सेल्फ़ी काफ़ी अच्छी एंड क्लियर नेचुरल आई है। एंड इसके अलावा वीडियो मोड में भी हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हैं यहाँ पर जो आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो के लिए। तो कैमरा तो ठीक है, अच्छा है इस बजट के हिसाब से। इसके अलावा मुझे लगता है कि सबसे खास इसमें जो बना देता है क्विक प्रोसेसर, जो कि है स्नैपड्रैगन 480 प्लस, जो इसको और भी खास और क्विक बना देता है। तो क्विकनेस के मामले में, पॉकेट फ्रेंडली के मामले में एंड बहुत सारे फीचर्स के मामले में ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगा। तो आप डेफिनेटली इस पे जा सकते हैं अगर आप बजट में अच्छा 5G फ़ोन देख रहे हैं। सो दिस कैन बी अ वेरी नाइस क्विक ऑप्शन फॉर यू। तो है ना, ये धमाकेदार चक्कर देने वाला रिव्यू है ना। तो ये वाला फ़ोन आपको बजट में 14999 में बहुत सारी चीज़ें आपको देता है 5G फ़ोन में, एंड 50 मेगापिक्सल कैमरा एंड बहुत सारे डिटेल्स जो आपने रिव्यू में ऑलरेडी देखा होगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड बाय, इस बजट में बहुत अच्छा बाय है। ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल रिव्यूज़, गैजेट्स, अपडेट्स देखने के लिए IBIS 24 गैजेट्स को आप देखते रहिए। मैं सोनम आपसे मिलूंगी अगली बार कुछ नया, कुछ अच्छा लेकर। टिल देन, बाय बाय।